साइमन कमीशन का योगदान। बाबा साहब ने किस तरीके से साइमन कमीशन को दलितों पे हो रहे अत्याचारों पर विचार करने के लिए प्रेरित कर 1928 से 1929 में प्रकाशनीय सुधारों का अध्ययन करने इंग्लैंड से 7 अंग्रेज सदस्यों का एक आयोग भारत आया। सर साइमन इसके अध्यक्ष थे, अन्यथा इसे साइमन कमीशन कहा गया। डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के उत्थान के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। वह दलितों के अधिकारों की मांग उठाने व कोई भी अफसर नहीं जाने देते थे। दलितों की सामाजिक व आर्थिक बदहाली व ब्यौरा कमीशन के सामने रखते थे। दलितों पर ढाए जा रहे अत्याचारों की घटनाओं के ठोस उदाहरण भी दिए। उन्होंने कमीशन स्मरण पत्र पेश किया जिसमें दलितों के ऊपर हो रहे सभी तरह के अत्याचारों का विचार था, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, प्रत्येक व्यवस्था को चोट डालने का अधिकार था। मुंबई विधान परिषद की 180 में से 22 सीटें अछूत वर्ग के लोगों के लिए व साथ ही मंत्रिमंडल में भी अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने की मांग को बहुत ही जोरदार ढंग से बढ़ाया। इस मांगों में अतिरिक्त उन्होंने यह मांग भी पेश की कि भारत के आगामी विधान में दलित लोगों के लिए शिक्षा प्राप्ति के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और अछूतों को अन्य सरकारी नौकरी के साथ साथ सेना, जल, पुलिस में भी भर्ती करवाई जाए। इससे दलित समाज को उभार सकते थे। साइमन ने जब इन बातों को सुना तो उन्होंने इस पे गौर करने का चिंताजनक विषय बनाया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।